बीमारी के कारण नवंबर में नामांकन से वंचित छात्रों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देकर एडमिशन की मांग की। जलालगढ़ प्रखंड के एनडी रुंगटा उच्च विद्यालय से 8वीं पास करने के बाद मोहम्मद नजीर आलम का पुत्र मोहम्मद साजिद बीमारी के कारण नवंबर में नामांकन नहीं ले सका। लगभग 5 अन्य छात्र भी किसी कारणवश एडमिशन लेने से वंचित रह गए। सरकारी नियम के अनुसार 30 जून तक नवम वर्ग में एडमिशन की तिथि निर्धारित थी, लिहाजा एडमिशन से वंचित छात्र जिला शिक्षा पदाधिकारी से नामांकन की मांग कर रहे हैं। छात्र अपने आगे की पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं। डीईओ मिथिलेश प्रसाद ने कहा कि विशेष परिस्थिति में 8 जुलाई तक नामांकन लिया गया। उन्होंने एडमिशन के सवाल पर कहा कि सरकारी निर्देश के बाद ही छात्रों का नामांकन संभव है। छात्रों ने डीईओ कर्मी पर 200 रुपया लेकर एडमिशन कराने का आरोप लगाया। किस चीज़ में एडमिशन सर? 8वीं पास के नौवीं में सर बीमार होने के कारण नहीं ले रहे हैं एडमिशन। कहाँ से आए हो? जलालगढ़ से। क्या कह रहा है डीओ साहब? डीओ साहब बोल रहे हैं टाइम ओवर हो गया, नहीं हो पाएगा इसी कारण। हाँ, रानी पत्रा से पूछो। दूसरे का ले रहा है? जी दूसरे का ले रहा है। जी दूसरे का ले रहा है। क्या है, कैसे ले रहा है? सर कल हमने देखा कि 200 रुपया लेते हुए तो उसका साइन हो गया सर। कौन ले रहा था 200 रुपया? सर कर्मचारी को देखा। किनका कर्मचारी? सर डीओ कर्मचारी। 200 रुपया लेके एडमिशन ले रहा है? जी। कहाँ से आए हो तुम? सर जलालगढ़ से। क्या नाम हुआ? मोहम्मद साजिद। डीओ साहब, अभी कई बच्चे यहाँ आए हुए हैं, इन लोगों का एडमिशन नहीं हो रहा है नाइन्थ में। नाइन्थ में एडमिशन की अंतिम तिथि 30 जून तक है। विशेष परिस्थिति में एक सप्ताह तक हम बच्चों का दुख दर्द को देखते हुए नामांकन का आदेश दिए। 18 जुलाई से उनकी प्रथम सावधि परीक्षा है। एक सप्ताह भी तो बच्चे स्कूल में नामांकन ले लेते हैं, इसीलिए मैं नामांकन आदेश देना बंद कर दिया। तो अब क्या होगा इन लोगों का भविष्य? सरकार के द्वारा आदेश आने पर होगा, सरकार जैसा निर्देश देंगे वैसा हम करेंगे। एक बच्चे का कहना है कि कल 200 रुपया एक कर्मचारी लिया और उनका साइन कर दिया गया। कल तो हम पटना में थे, एकदम सरासर गलत है। प्राइवेट से पढ़ेंगे, विवोस का स्कूल है, सरकार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था है उसकी। प्राइवेट से परीक्षा देने पे बच्चों को इक्विवेलेंट रिजल्ट दिया जाता है, वो नियमित रूप से स्कूल में पढ़ते हैं और प्राइवेट परीक्षा देते हैं, उसके रिजल्ट में कोई अंतर नहीं है।